हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जब आयुष की आंख खुली तो वह हॉस्पिटल के वार्ड में लेटा हुआ था। उसके बराबर में उसकी सेक्रेटरी अवनीत बैठी हुई थी, जिसको देखकर वो हड़बड़ाते हुए बोला, मैं यहाँ कैसे आया? और मोहिनी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? सर आप प्लीज मोहिनी मैम के बारे में कुछ मत सोचिए। नहीं अवनीत, मुझे बताओ वरना मैं अभी उठकर खुद उसके पास जा रहा हूँ। सुनकर अवनीत ने एक लंबी सांस भरी और कहा, मोहिनी मैम की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है सर, और आप एक्सीडेंट साइट पर बेहोशी की हालत में पाए गए थे। नहीं! सुनकर आयुष जोर से चिल्लाकर रो पड़ा और बोला, मोहिनी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, अब मैं उसके बिना कैसे जीऊंगा और कैसे इतनी बड़ी कंपनी को चलाऊंगा। सर आप हिम्मत रखिए, पुलिस भी आपके होश में आने का वेट कर रही है। उनको आपका स्टेटमेंट चाहिए कि एक्सीडेंट कैसे हुआ और आप कार के बाहर कैसे पहुंचे। मोहिनी और मैं कल ऑफिस के बाद हमारे नए फ्लैट पर जा रहे थे। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद मोहिनी को पता चला कि कार की ब्रेक फेल है। हाईवे पर बीचों बीच एक ट्रक खड़ा हुआ था। मोहिनी ने देखा कि अब कार को ट्रक से भिड़ने से कोई नहीं बचा सकता, तो उसने मुझे जबरदस्ती कार से धक्का दे दिया और खुद। इतना कहकर आयुष जोर जोर से रोने लगा। अवनीत ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और फिर पुलिस को उसका स्टेटमेंट देने के बाद वो उसको डिस्चार्ज करवा कर घर ले आई। वहां पर उससे मिलने स्मित आया, जो कि उसका कंपनी लॉयर था। आयुष, मोहिनी और तुम दोनों कंपनी के 50-50% के मालिक थे, लेकिन अब मोहिनी हमारे बीच नहीं है तो आगे से कंपनी तुम्ही को संभालनी पड़ेगी। सुनकर आयुष और दुखी होकर बोला, क्या करूंगा मैं इस प्रॉपर्टी का, हाँ जब मेरी मोहिनी ही इस दुनिया में नहीं रही। मैं ये कंपनी उसके डैडी को दे दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता आयुष, उसके डैडी भी यही चाहते हैं कि ये कंपनी अब तुम संभालो। सुनकर आयुष चुप हो गया और फिर स्मित ने उसको प्रॉपर्टी के नए पेपर्स दिए। 2 दिन बाद स्मित रात के टाइम किसी काम से बाहर जा रहा था, इसलिए वो पार्किंग में अपनी कार निकालने के लिए चला गया। अचानक पार्किंग की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। ये क्या हो रहा है? गार्ड! उसने गार्ड को आवाज लगाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पार्किंग में किसी लड़की के हंसने की आवाज गूंजी। कौन है? सामने आओ, सामने आओ! कहकर उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने एक लंबी सांस ली और फिर तेजी से अपनी कार में बैठा। जैसे ही उसने की लगाकर कार स्टार्ट की, उसको वही हंसी फिर से सुनाई दी। उसकी नजर जब रियर व्यू मिरर पर पड़ी तो ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और सांस तेज तेज चलने लगी। पीछे वाली सीट पर मोहिनी बैठी हुई थी, उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका आधा चेहरा झुलसा हुआ बहुत भयानक लग रहा था। बचाओ, बचाओ! कहकर वो कार से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने लगा, लेकिन मोहिनी ने पीछे से उसका गला पकड़ लिया और कस के दबाने लगी। वह चिल्लाने लगा और खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें बंद होने को आई तो उसने उसका गला छोड़ दिया। वह तेजी से कार से बाहर निकला और शटर की तरफ भागने लगा। उसने देखा कि शटर अपने आप बंद होने लगा है, तो डर के मारे उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही शटर पूरी तरह बंद हो गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, मोहिनी बिल्कुल करीब खड़ी थी।
उसके भयानक चेहरे को बिल्कुल अपने करीब देखकर स्मित की चीख निकल पड़ी। मोहिनी ने भयानक आवाज करते हुए स्मित की पॉकेट में लगा पेन निकाला और उसकी एक आंख में मार डाला। स्मित चिल्लाया और मोहिनी भयानक अंदाज में हंसने लगी। इतने में फिर उसने वही पेन दूसरी आंखों में मार कर उसको अंधा कर दिया। स्मित अब नीचे गिरकर जमीन टटोलने लगा। वो अब कुछ भी देखने लायक नहीं बचा था। उसको थोड़ी देर तक इसी तरह तड़पता मचलता देखने के बाद मोहिनी ने वही पेन उसके गले के अंदर मार कर छोड़ दिया। पेन आधे से ज्यादा उसके गले के अंदर समा गया और स्मित की मौत हो गई। स्मित की मौत के बाद आयुष बहुत ही डिस्टर्ब रहने लगा था। ये बात अवनीत भी नोटिस करने लगी थी और ऑफिस वर्क के अलावा भी वह उससे बातें करती और उसके करीब जाने की कोशिश करती। उसके ऐसा करने से आयुष भी उसको अपनी दोस्त समझने लगा था। और एक दिन ऑफिस से छुट्टी के टाइम उसने अवनीत को अपने केबिन में बुलाया। अवनीत, क्या तुम आज रात का डिनर मेरे घर पर करना पसंद करोगी? तुमसे कुछ डिस्कस भी करना है। सुनकर अवनीत अपने मन में सोचने लगी। अरे सोच क्या रही अवनीत, बॉस के जितना करीब जाएगी उतनी जल्दी ही तेरा प्रमोशन होगा, और अगर तूने मोहिनी मैम की जगह ले ली फिर तो आधी कंपनी की मालकिन भी बन सकती है तू। क्या हुआ? अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। नो सर, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मैं आ जाऊंगी। ग्रेट। ऑफिस के बाद आयुष ने अवनीत को अपनी कार में बिठाया और अपने घर की तरफ ले चला। वहां जाकर उन्होंने साथ में डिनर किया और फिर हॉल में बैठकर दोनों ने खूब सारी बातें की। इसी तरह बातें करते हुए उन्हें 10 बज गए। बातों ही बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। सॉरी हाँ, आओ तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ दूं। श्योर। सुनकर आयुष ने उसको अपने बराबर वाला कमरा दे दिया और फिर खुद अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर लेटने के बाद उसने अपनी आंखें बंद की और फिर सोने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ अवनीत भी आंखें बंद किए आधी नींद में जा चुकी थी। अवनीत। तभी रात के सन्नाटे को चीरती हुई भयानक फुसफुसाहट उसके कानों में गई और अचानक से उसकी आंखें खुल गई। अपनी आंखों के सामने का मंजर देखकर उसकी सांस मानो गले में अटक कर रह गई। उसने देखा कि मोहिनी अपने भयानक अवतार में उसके ऊपर बैठी हुई है और उसके और मोहिनी के चेहरे के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला था। वह जोर से चिल्लाई और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर तक उसकी भयानक हंसी की आवाज रूम में गूंजती रही। फिर उसको महसूस हुआ कि वो आवाज बंद हो चुकी है, तो उसने डरते हुए फिर से आंखें खोली। अब सब कुछ शांत था और कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। वह जल्दी से बेड से उठी और सीधा आयुष के कमरे की तरफ चल गई। दरवाजे पर नॉक करने की आवाज से आयुष ने आंखें खोली। आयुष सर, प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज खोलिए। अवनीत की आवाज सुनकर आयुष जल्दी से खड़ा हुआ और दरवाजा खोला। सामने अवनीत को डरी हुई हालत में खड़ा देख वो भी परेशान हो गया और अवनीत डर के मारे उससे लिपट गई। सर सर, वो बहुत भयानक थी। मोहिनी मैम मेरे रूम में। वो इतनी डरी हुई थी कि उसके मुंह से बात भी आधी अधूरी निकल रही थी। उसके मुंह से मोहिनी का नाम सुनकर आयुष चौंक पड़ा और बोला, तुम ये क्या कह रही हो? मोहिनी, आयुष ने इतना ही कहा था कि उसके कमरे की लाइट्स अपने आप बंद हो गई। लग जा गली के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। और मोहिनी के गाने की आवाज उसके पूरे घर में गूंजने लगी। क्यों आयुष, यही गाना था ना वो जो तुम मुझे बड़े प्यार से सुनाया करते थे, अब इसकी आवाज से क्यों डर रहे हो बोलो। सर सर, प्लीज प्लीज यहाँ से चलिए सर,
मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, प्लीज सर चलिए चलिए प्लीज। अब आयुष भी काफी डरा हुआ नजर आ रहा था, इसलिए देर ना करते हुए अवनीत को साथ लिए वो घर से बाहर निकला। बाहर की लाइट्स भी ब्लिंक कर रही थी, सामने उसकी कार खड़ी थी। जल्दी से कार में बैठो। उसने अवनीत को कार में बैठाया और खुद ड्राइव करने लगा। थोड़ी देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। फिर अवनीत पूछने लगी, सर आप मुझे बताइए कि मोहिनी की आत्मा वापस क्यों आई है और वो हम दोनों को ऐसे क्यों डरा रही है। सुनकर आयुष ने सोचा कि अब वो सच को और नहीं छिपा सकता, तो उसने ड्राइव करते हुए ही उसको बताना शुरू किया। वो इसलिए वापस आई है क्योंकि उसके मौत के पीछे मेरा ही हाथ था। एक्सीडेंट से पहले उसकी कार के ब्रेक मैंने ही फेल करवाए थे। सुनकर अवनीत शॉक्ड हो गई और बोली, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? और जो आपने स्टेटमेंट में दिया था वो सब क्या था? वो सब झूठ था। असल में मैं मोहिनी से प्यार नहीं करता था, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी की वजह से उसके साथ रिलेशनशिप में था और उसने मुझे 50% का पार्टनर भी बना दिया था। लेकिन मुझे पूरी कंपनी का मालिक बनना था और उसके बाद मोहिनी से ब्रेकअप करके मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहता था, इसलिए मैंने उसको अपने रास्ते से हटाना ही सही समझा। उस दिन मैंने कार के ब्रेक पहले ही फेल करवा दिए थे और जब मोहिनी कार में बैठी तो उसकी सीट बेल्ट भी कस के उसको बांध दी। मैंने उसको इस तरह से टाइट कर दिया था कि उसको खोलने में उसको घंटों लग जाते। जब उसने ब्रेक लगाने चाहे तब उसको पता चला कि ब्रेक फेल है। सामने मेरे प्लान के मुताबिक पहले से ही एक ट्रक खड़ा था और कार उससे टकराने वाली थी। मैंने दरवाजा खोला और चलती कार से कूद गया, लेकिन मोहिनी सीट बेल्ट बंधी होने की वजह से अपनी जगह से उठ नहीं सकती थी। कार तेजी से ट्रक से टकराई और उसकी मौत हो गई। होश आने पर मैंने सबको यही बताया कि मोहिनी ने मुझे धक्का दे दिया था और खुद बचाते हुए हादसे का शिकार हो गई। लेकिन सच यही था, ये एक प्लान था जिसको सक्सेसफुल बनाने में इश्मित ने मेरी हेल्प की थी। यकीन नहीं होता कि आप ऐसा कर सकते हैं सर, इसका मतलब है कि इश्मित को भी मोहिनी की आत्मा ने ही मारा होगा। देखो मैंने ये सब तुमको एक फ्रेंड समझकर बताया है, लेकिन शायद तुम ये सब पुलिस को बताने वाली हो। ऐसा नहीं है सर, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। जागली के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। अमित की बात बीच में ही अधूरी रह गई जब उन दोनों को फिर से मोहिनी की आवाज सुनाई दी। दोनों ने एक साथ पीछे पलट कर देखा तो उनकी चीख निकल पड़ी। मोहिनी पीछे वाली सीट पर अपने भयानक अवतार में बैठे गाने गा रही थी। आयुष ने कार के ब्रेक लगाने चाहे तो वो फेल हो चुके थे और भी स्पीड अपने आप बढ़ती जा रही थी। आयुष ने देखा कि सामने से एक ट्रक आ रहा है तो उसने उससे बचने के लिए स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन ये क्या, उस टाइम स्टीयरिंग भी फेल हो गया और कार तेज रफ्तार से उस ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर अवनीत डर गई और बोली, मोहिनी मैम प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, आपकी जान इस आयुष की वजह से गई थी, आप मुझे क्यों मार रही हैं? तुम मेरे मरने के बाद मेरी जगह लेने की सोच रही थी ना, तो तुम में और इसमें फर्क ही क्या है? तुम दोनों लालच के भूखे हो, इसीलिए तुम दोनों की मौत आज तय है। यह सुनकर आयुष ने सोचा कि वो पिछली बार की तरह कार से कूदकर अपनी जान बचा सकता है, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा करना चाहा, उसकी सीट पर लगी सीट बेल्ट अपने आप उसके शरीर पर आ लगी और फिर अवनीत के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब वो दोनों अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे, ना ही वो कार को रोक सकते थे और ना ही स्टीयरिंग मूव करके सामने से आ रहे ट्रक से खुद को बचा सकते थे। आयुष को इस तरह खौफ से भरा और परेशान देखकर मोहिनी की आत्मा जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अब पता चल रहा होगा कि मुझे उस वक्त कैसा महसूस हुआ था। आयुष मुझे तो कुछ सोचने और समझने का मौका भी नहीं मिला था, लेकिन तुम तुम्हारी मौत आराम से देखोगे। इतना कहकर उसने कार की स्पीड फुल कर दी। अवनीत और आयुष दोनों चिल्लाने लगे, उससे माफी मांगने लगे, लेकिन उस पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था।
कार तेज रफ्तार के साथ से पूरी तरह गिरी और उसके अंदर बैठे अवनीत और आयुष की मौके पर ही मौत हो गई। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।